नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सिंगोड़ी में भाजपा की कामकाजी बैठक हुई संपन्न। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सिंगोड़ी में भाजपा की कामकाजी बैठक संपन्न हुई, जिसमें बता दें कि बैठक का शुभारंभ भारत माता के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। साथ ही उपस्थित अतिथि का तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। बैठक में मंडल विस्तारक और बूथ विस्तारक का चयन और गठन किया गया और 20 से 30 जनवरी के बीच में अपने बूथ और मंडल में समय देने और आगे की रणनीति तैयार की गई। साथ ही विगत दिनों सिंगोड़ी में हुई घटना की निंदा की गई। साथ ही युवा कांग्रेस के बयान पर मंडल अध्यक्ष सोनू सरसवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कांग्रेस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को भगवाधारी गुंडे कहकर संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धर्म और राम के नाम को बदनाम कर रही हैं। मैं उन्हें बता दूं कि हमें हिंदू और हिंदुत्व और धर्म के बात ना बताएं। तुम्हारी पार्टी में जय श्री राम बोलने पर तुम्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। तुम्हारी पार्टी के द्वारा ही प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। तुम्हारी पार्टी के द्वारा ही भगवान राम के मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी की गई थी और कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उक्त बात कहकर बैठक को संबोधित किया गया कि बैठक में मुख्य रूप से किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय पटेल, अल्केश साहू, मंडल अध्यक्ष सोनू सरसवार, महामंत्री ऋषि ठाकुर और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से राजू सुनील अहरवार की रिपोर्ट। लोगों ने ऐसा किया है, ये तो ऐसी बात हो गई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डाला। जब एक बार पुतला दहन हो चुका था तो दूसरी बार करने की जरूरत क्या थी? और सिंगोड़ी की शांति को भंग करने का काम कांग्रेस, युवा कांग्रेस के लोगों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सादगी और शालीनता से रहने वाले लोग भाजपा के। अगर दोबारा ऐसा कृत किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सिंगोड़ी मंडल जिला भाजपा उसका माकूल जवाब देगी, क्योंकि सिंगोड़ी बहुत शांति का क्षेत्र है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए ऐसा उनसे ताकीद करती भारतीय जनता पार्टी।